मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में ऑनलाइन करते समय एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, और बदलाव क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर इस बदलाव के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप गलती कर देंगे, जिसके कारण आपको जो भी पैसे आने वाले हैं खाते में वो नहीं मिलने वाले हैं। जितने भी ऑनलाइन करने वाले भाई हैं, आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए, हम यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र लॉग इन करें पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हजारीबाग प्रमंडल, रांची प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल, ये सब प्रमंडल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी आप फॉर्म ना ही भरें तो ये अच्छा है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक प्रमंडल क्या होता है और कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, और आप पूरी तरह से समझ पाएंगे और आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे झारखंड में जितने प्रमंडल है कुल मिलाकर के हमारे 5 प्रमंडल है, लेकिन जो यहाँ पे प्रमंडल दिया गया है वो नाम थोड़ा यहाँ पे बदल करके दिया गया है। हजारीबाग प्रमंडल और रांची प्रमंडल और पलामू प्रमंडल, ये 3 नाम बदल करके दिया है। कोल्हान प्रमंडल ये सही है, संथाल परगना प्रमंडल ये सही है। तो हमने गूगल के माध्यम से यहाँ पे देखिए हमने निकाला है प्रमंडल, ठीक है। तो प्रमंडल में आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 24 जिले के अंदर में 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। ये प्रमंडल है जो कि पलामू प्रमंडल पहला है, दूसरा है छोटा नागपुर प्रमंडल, और तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, फिर कोल्हान प्रमंडल, इसके बाद संथाल परगना प्रमंडल। तो देख सकते हैं इसमें यहाँ पे जो पलामू प्रमंडल है उसमें पलामू, गढ़वाल, लातेहार और मेदनी नगर आते हैं। ये इसका मुख्य मुख्य मुख्यालय कहाँ पे है, मेदनी नगर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर का देख सकते हैं, यहाँ पे जिले चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, जो कि इसका यहाँ पे मुख्यालय है हजारीबाग, जो कि यहाँ पे इसे बदल करके हजारीबाग यहाँ पे कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे हजारीबाग प्रमंडल, ये चीज बात को ध्यान में रखना है। प्रमंडल यहाँ पे जो मुख्यालय हजारीबाग बदल करके वहां पे कर दिया गया है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जिले लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खुट्टी, इसका मुख्यालय रांची है, तो रांची प्रमंडल कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं रांची प्रमंडल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो कौन कौन जिले आ रहे हैं रांची प्रमंडल में, तो देख सकते हैं यहाँ पे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी और इसका मुख्यालय रांची है। अब कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन आते हैं, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, सरावां, पूर्वी सिंहभूम और चाईबासा, इसका मुख्यालय है, लेकिन कोल्हानी प्रमंडल है, कोल्हानी प्रमंडल लिखा हुआ है। इसके बाद संथाल परगना प्रमंडल में जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज और मुख्यालय दुमका आता है। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए कौन से प्रमंडल में आते हैं, उसी प्रमंडल पे क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है। अगर किसी दूसरे पे फॉर्म भर देते हैं तो आपको बड़ी गलती हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे रांची प्रमंडल लिया है, तो रांची प्रमंडल में आप क्लिक करेंगे और इसके बाद जो भी आपके CSC ID और पासवर्ड है उसको यहाँ पे फिलअप करके आप लॉग इन कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से होता है। तो हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है और आसानी से आप उस जिले का भर पाएंगे। लेकिन क्या बात है पता है आपको, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ आप यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिक डाटा आ जाता है कोई भी जिले का, कोई भी प्रमंडल का हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो दिक्कत नहीं आने वाला है, लेकिन ये प्रमंडल जो दिया गया है वो प्रमंडल के माध्यम से ही भरे तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना फिर आने वाले समय में आपको परेशानियां हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन है ये प्रमंडल के माध्यम से आप एंट्री कर रहे हैं तो उस प्रमंडल में चला जाएगा। वेरीफाई होते समय उस प्रमंडल में आपका वेरीफाई होगा नहीं, इसलिए आप कोशिश करें जितना भी फॉर्म भरें सब प्रमंडल के माध्यम से भरें, सही से भरें। तो आप देख लीजिए किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। देखिए प्रज्ञा केंद्र लॉग इन करें, अगर आपके जिला जिसमें आ रहा है जिस प्रमंडल में, उस प्रमंडल में जाकर के क्लिक करके आप उसे लॉग इन करके आप उस फॉर्म को भरें। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।